मजे, सारा दिन रहते मजे, चिप्स बनकर सबको भाते, फ्राई होकर मन ललचाते। आलू है गोल मटोल भरा स्वाद से प्यारा, उसे खा लो भूख लगी सबको लगता है अच्छा। गाजर है चमकीली रंगीन नारंगी, स्वाद में मिठास सेहत के साथ ही रंगीन। आलू और गाजर मिलकर करते हैं धमाल। दोस्तों, क्या आप भी किड्स एनिमेशन वायरल वीडियो बनाना चाहते हैं, वो भी पूरी तरह से AI की मदद से बिना ज्यादा मेहनत के? तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप सिर्फ मोबाइल का इस्तेमाल करके बच्चों के लिए इंटरेक्टिव और क्रिएटिव वीडियो बना सकते हैं। जिन वीडियो को देखने में बच्चे घंटों बिताते हैं, बच्चों के लिए वीडियो बनाना आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड है। इसका सबसे बड़ा कारण है बच्चों का स्क्रीन टाइम, वे बिना मोबाइल के ना खाना खाते हैं ना सोते हैं। यही कारण है कि इस तरह की वीडियो पर व्यूज और वॉच टाइम बहुत ज्यादा आता है। तो क्यों ना आप भी इस ट्रेंड को फॉलो करके अपना यूट्यूब चैनल शुरू करें और जल्दी ग्रो करके यूट्यूब से जल्दी कमाई करना शुरू करें। तो अगर आप भी ऐसी किड्स एनिमेशन वीडियो बनाना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अभी मैं सारा प्रोसेस कंप्यूटर पर करके दिखाऊंगा, लेकिन आप इन सभी स्टेप्स को आसानी से अपने मोबाइल पर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ChatGPT ओपन करना है और ChatGPT को एक मजेदार बच्चों की कविता लिखने के लिए वैसा प्रॉम्प्ट देना है जैसी पोयम आप जनरेट करना चाहते हैं। कि जैसे कि अभी हम लिखते हैं, किड्स के लिए आलू और टमाटर की कविता लिखो, और फिर यहाँ सेंड पर क्लिक करते हैं। अब ChatGPT ने हमें किड्स पोयम जनरेट करके दे दी है। हमें हमारी इस पोयम के लिए इमेज की जरूरत होगी, तो इमेज के लिए हमें प्रॉम्प्ट जनरेट करने हैं। तो प्रॉम्प्ट जनरेट करने के लिए ChatGPT को हम यहाँ कमांड देंगे, इस कविता की हर एक लाइन के लिए इमेज बनाने की प्रॉम्प्ट लिखो, और फिर सेंड पर क्लिक करेंगे। अब ChatGPT ने हमारी इस कविता की हर एक लाइन के लिए इमेज जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट दे दिए हैं। अब अपने प्रॉम्प्ट से हम इमेज जनरेट करेंगे। तो इमेज जनरेट करने के लिए हम गूगल में Bing/images/create टाइप करके सर्च करेंगे और पहले वेबसाइट को ओपन करेंगे। अब इस पर आपको अपनी ईमेल आईडी से अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके यहाँ रोजाना 15 क्रेडिट मिलते हैं। यह क्रेडिट खत्म हो जाते हैं तो आप अपने दूसरे ईमेल आईडी से लॉगिन करके और इमेज जनरेट कर सकते हैं। अब इमेज जनरेट करने के लिए इस बॉक्स में हमें अपना प्रॉम्प्ट टाइप करना है। तो प्रॉम्प्ट के लिए हम ChatGPT में आएंगे और अपनी पहली इमेज के प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और इस बॉक्स में पेस्ट करेंगे। अब अपने इस प्रॉम्प्ट के आगे हमें कार्टून टाइप लिखना है, जिससे कि हमारी इमेज कार्टून स्टाइल में जनरेट हो। उसके बाद यहाँ क्रिएट पर क्लिक करेंगे। अब कुछ देर यहाँ प्रोसेसिंग चलेगी। प्रोसेसिंग के बाद हमें यहाँ 4 इमेज मिल चुकी है। इनमें आपको जो इमेज पसंद आती है उस इमेज पर क्लिक करेंगे तो इमेज जूम हो जाएगी। अभी हमारी ये इमेज स्क्वायर साइज में है, जबकि हमें यूट्यूब के लिए लैंडस्केप साइज में चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे, लैंडस्केप पर क्लिक करेंगे तो कुछ सेकंड की प्रोसेसिंग में हमारी यह इमेज लैंडस्केप मोड में कन्वर्ट हो चुकी है। अब यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करके अपनी इमेज को डाउनलोड कर लेंगे। अब इसी तरह ChatGPT से अपने दूसरे इमेज के प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे, यहाँ इस बॉक्स में पेस्ट करेंगे, प्रॉम्प्ट के आगे कार्टून टाइप लिखेंगे और क्रिएट पर क्लिक करके अपनी इमेज जनरेट कर लेंगे, फिर लैंडस्केप मोड में कन्वर्ट करके डाउनलोड कर लेंगे। अब इसी तरह अपने सभी प्रॉम्प्ट से हमें इमेज जनरेट कर लेनी है। अब हम अपनी इन इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम गूगल में सर्च करेंगे मॉव स्टूडियो AI और पहली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। मॉव स्टूडियो AI पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। इसके लिए यहाँ गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पर क्लिक करेंगे और यहाँ अपने ईमेल से या फिर टेम्प मेल से अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। अभी मैं यहाँ टेम्प मेल से अपना अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। मॉर्फ स्टूडियो AI पर अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमें इस पर 150 क्रेडिट मिलते हैं और अपनी इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करने पर प्रति सेकंड 10 क्रेडिट खर्च होते हैं। लेकिन एक अकाउंट के क्रेडिट खर्च होने के बाद आप दूसरे टेम्प मेल से अकाउंट क्रिएट करके और वीडियो बना सकते हैं। अब यहाँ इमेज टू वीडियो पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ हम एक बार में 10 इमेज तक अपलोड कर सकते हैं और उन इमेज को एक साथ वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ क्लिक करते हैं और अपनी इमेज को अपलोड करते हैं। तो अभी हम यहाँ से 10 इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ अपलोड पर क्लिक करते हैं। अब हमारी इमेज या अपलोड होना शुरू हो गई है, तो इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना है। अब हमारे सभी इमेज यहाँ अपलोड हो चुकी हैं। अब यहाँ हर इमेज के आगे प्रॉम्प्ट बॉक्स दिखाई दे रहा है। इस बॉक्स में हमें अपना वह प्रॉम्प्ट एंटर करना है, जैसी भी मोशन हम अपनी वीडियो में चाहते हैं। अगर हम यहाँ कोई प्रॉम्प्ट एंटर नहीं करते हैं
तो यह अपने हिसाब से हमारी वीडियो में मोशन अप्लाई कर देगा। लेकिन अभी हम यहाँ प्रॉम्प्ट एंटर करेंगे तो प्रॉम्प्ट के लिए हम वापस चैट जीपीटी पर आएंगे और अपनी पहले इमेज के प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और इस बॉक्स में लाकर पेस्ट कर देंगे। इसी तरह दूसरी इमेज के प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और अपनी दूसरी इमेज के प्रॉम्प्ट में एंटर कर देंगे। अब इसी तरह अपनी इन सभी में इसके प्रॉम्प्ट को यहाँ एंटर करेंगे। अब हर इमेज के आगे हमें यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम अपनी वीडियो के लिए कैमरा मोमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम अपनी वीडियो में किस तरह का मोमेंट चाहते हैं। तो जिस तरह का भी आप मोमेंट अपनी वीडियो में चाहते हैं वह कैमरा एंगल आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे ऑप्शन है ड्यूरेशन का, यहाँ से आप अपनी वीडियो के लिए ड्यूरेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम सभी वीडियो के लिए यहाँ 2 सेकंड्स ड्यूरेशन सिलेक्ट कर लेते हैं। अब अपनी इन इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ इस ब्लू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारी इमेज वीडियो में कन्वर्ट होना शुरू हो गई है। आप सभी ब्लू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब कुछ देर यहाँ प्रोसेसिंग चलेगी, जैसे ही प्रोसेसिंग कम्प्लीट हो जाएगी हमारे सभी यह इमेज वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं हमारी इमेज अब वीडियो में कन्वर्ट हो चुकी है। वीडियो को देखने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे तो वीडियो जूम हो जाएगी। वीडियो को डाउनलोड करने के लिए यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड पर क्लिक करके वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारे 7 इमेज वीडियो में कन्वर्ट हुई है, क्योंकि हमें यहाँ पर 150 क्रेडिट मिले हैं और एक वीडियो बनाने में 20 क्रेडिट खर्च हुए हैं। तो हमारे यहाँ 7 वीडियो बनाने में 140 क्रेडिट खर्च हो चुके हैं। अब बाकी की इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए हम दूसरे टेम्प मेल से अकाउंट क्रिएट कर लेंगे और अपनी इमेज को वीडियो में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम अपनी किड्स पोयम के लिए सॉन्ग जनरेट करेंगे। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सॉन्ग जनरेटर वेबसाइट का। इस वेबसाइट से आप फ्री में सॉन्ग जनरेट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ क्रिएट योर सॉन्ग नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ इस बॉक्स में हमें अपनी पोयम को पेस्ट करना है, लेकिन अभी आप यहाँ देख रहे हैं वर्ड्स लिमिट 199 है। तो इस वर्ड्स लिमिट को इंक्रीज करने के लिए ऊपर इस कस्टम मोड को ऑन करेंगे तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्ड्स लिमिट इंक्रीज हो चुकी है। अब चैट जीपीटी में आएंगे और अपनी पोयम को कॉपी करेंगे और यहाँ इस बॉक्स में पेस्ट कर देंगे और इस बॉक्स में पोएट्री किड्स कार्टून टाइप करेंगे ताकि हमारा जो सॉन्ग जनरेट हो वह किड्स के हिसाब से हो। अब यहाँ नीचे अपने सॉन्ग को एक टाइटल देंगे और सॉन्ग जनरेट करने के लिए जनरेट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ ऊपर हमारा सॉन्ग जनरेट होना शुरू हो चुका है। जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी हमारा सॉन्ग यहाँ रेडी हो जाएगा। एक बार जनरेट करने पर आपको यहाँ पर 2 सॉन्ग्स मिलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे यहाँ 2 सॉन्ग जनरेट हो चुके हैं। सॉन्ग को सुनने के लिए आप यहाँ प्ले पर क्लिक करके अपने सॉन्ग को सुन सकते हैं। अगर आपको सॉन्ग पसंद नहीं आता है तो आप जनरेट पर क्लिक करके अपने सॉन्ग को दोबारा जनरेट कर सकते हैं। अब जो सॉन्ग आपको पसंद आता है उसे डाउनलोड करने के लिए यहाँ 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड पर क्लिक करके अपने सॉन्ग को डाउनलोड कर लेंगे। अब आता है हमारा फाइनल स्टेप। अब हम अपने इस सॉन्ग और वीडियो को मिलाकर अपनी किड्स एनिमेशन पोयम वीडियो क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम अपने एडिटर में चलेंगे। अभी मैं यहाँ कैप कट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप किसी भी वीडियो एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अपने एडिटर में अपनी एनिमेटेड वीडियो और सॉन्ग को इम्पोर्ट करेंगे। अब सबसे पहले अपने सॉन्ग को टाइमलाइन पर लेकर आएंगे और अपने सॉन्ग को एक बार सुन लेंगे और जहाँ पर भी सॉन्ग में एक्स्ट्रा म्यूजिक या पार्ट लगता है उसे हम अपने अनुसार ट्रिम कर लेंगे। उसके बाद अपने सॉन्ग के अनुसार सभी वीडियो को टाइमलाइन पर एडजस्ट करेंगे। अब अपनी वीडियोस को अपने सॉन्ग के अकॉर्डिंग क्रॉप या एक्सटेंड कर लेंगे। इसके लिए आप अपनी वीडियो की स्पीड को घटा बढ़ाकर छोटा या बड़ा कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैं कर रहा हूं। अब वीडियो को सॉन्ग के अनुसार एडजस्ट करने के बाद हम अपनी जरूरत के अनुसार अपनी वीडियो के बीच में ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ अपनी वीडियोस के बीच में ट्रांजिशन लगा लेता हूँ। अब सब कुछ एडजस्ट करने के बाद अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे और अब हम अपनी वीडियो का फाइनल आउटपुट देखते हैं। चिप्स बनकर सबको भाते, फ्राई हो
दे टमाटर भाई लाल लाल सूप नाते बेहाल सलाद में भी रंग जमाते सभी के दिल को खूब भाते आलू टमाटर की जोड़ी सब्जी में ये लगे पड़ी मसाले में ये सब मिल जाए हर थाली किसान बढ़ाए दोनों का संग है कमाल आलू टमाटर सबकी दाल बच्चे बूढ़े सबको भाते हर रसोई में नजर आते इसलिए बच्चों ध्यान लगाओ आलू टमाटर खूब खाओ। तो देखा आपने कैसे हमने बिल्कुल फ्री में सिर्फ एआई की मदद से कितनी अच्छी क्वालिटी में किड्स पोयम एनिमेशन वीडियो क्रिएट की है। अब आपकी बारी है, क्या आप भी ऐसी किड्स पोयम एनिमेशन वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके बताएं कि आपने कौन सी किड्स पोयम एनिमेशन वीडियो बनाई है, और अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट में पूछिए, मैं जवाब जरूर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और क्रिएटिव आइडियाज जानने के लिए हमारे चैनल यूट्यूब थिंक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम और भी बेहतरीन एआई ट्रिक्स लेकर आएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए और हमारे चैनल को अपना सपोर्ट देते रहिए।